नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जारी किए गए नए आदेशों के बाद एक बार फिर शहर का 56 दुकान बाजार वीरान नजर आने लगा है। करोड़ों रुपए की लागत से विकसित हुआ 56 बाजार अब तक अपनी पूर्ण रौनक हासिल नहीं कर पाया है। दरअसल अनलॉक के बाद शहर में हर तबके की परिस्थितियां सामान्य होने लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में तीव्रता से हुई बढ़ोतरी के कारण एक बार फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट की हुई बैठक में 56 दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद अब 56 दुकान के व्यापारी सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी कर पा रहे हैं। गौरतलब है कि अनलॉक में प्रशासन द्वारा 56 दुकान पर ग्राहकों की आवाजाही शुरू कर टेक अवे की सुविधा शुरू की गई थी, जिसके बाद व्यापारियों को अपना व्यापार को सुचारू चलाने की उम्मीद जागी थी। लेकिन अब शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फिर से टेक अवे की सुविधा को प्रतिबंधित कर आम जनता की 56 दुकान पर आवाजाही पूर्णतः बंद कर दी गई है। इसको लेकर व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ ऑनलाइन व्यापार करने से दुकानों का संचालन मुश्किल हो रहा है। वहीं रोजाना इस बाजार में बनने वाली खाद्य सामग्री को भी कम ग्राहकी के कारण बड़ी मात्रा में नष्ट करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को सशर्त अनुमति के बजाय एक बार फिर से शहर की स्थिति को सुधारने के लिए लॉकडाउन अपनाना चाहिए, ताकि शहर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। ऑनलाइन बिजनेस तो साहब ऑर्डर इतने होते थोड़ी हैं, मतलब मुश्किल से 10-20-25 ऑर्डर होते हैं, तो उससे कोई पूर्ति होती नहीं है। लेकिन हम भी इस पक्ष में हैं साहब कि फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि स्थितियां ख़राब हो रही है। क्योंकि हमने तो ये देखा कि ये जो घूम रहे हैं लोग फालतू, वो पाउच भी खा रहे हैं, थूक भी रहे हैं, क्योंकि वायरस जो है हवा में फैल रहा है। अब ये बहुत गंभीर परिणाम आने वाले हैं इसके, तो अति शीघ्र लोगों को बचाना है। हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, और वो आने वाले समय में भविष्य हैं, वो आने वाले कल का भविष्य है, उनको बचाना है। तो जल्दी से जल्दी शहर को पूरा चारों तरफ से बंद कर देना चाहिए एंट्री, शहर की कुछ एंट्री इमरजेंसी में रखना चाहिए और लॉकडाउन कर देना चाहिए, एक महीने के लिए कर देना चाहिए। मेरा दावा है सर, भूख से कोई भी नहीं मरेगा, कर्मों से ज़रूर मर सकते हैं लोग, भूख से कोई नहीं मरेगा इस शहर में, मैं बोल रहा हूँ। और लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि स्थितियाँ संभल नहीं रही हैं, कोई किसी कुछ नहीं समझ रहा। बहुत मुश्किल, लेबर खर्चा निकलेगा नहीं, ऑनलाइन बहुत लिमिटेड लोग आ रहे हैं, उससे काम चलना नहीं संभव नहीं है, उसे तो बंद करना अच्छा है। क्या फर्क पड़ रहा है, हमसे घर बैठे कम से कम सामान बनाते हैं, वेस्टेज जाता है, बनाया नहीं, सुबह शाम तो बेचना पड़ता है, हमारा कच्चा माल है, रख नहीं सकते। आशा से बनाते हैं, चलो आज गिराक पैकिंग में जाएगा, माल निकल जाएगा, संभव नहीं, लेबर खर्चा नहीं निकल रहा, स्थिति खराब है, बहुत लिमिटेड लोग आ रहे हैं, बहुत लिमिटेड पैकिंग चल रही है, और पैकिंग के पूरे दिन निर्भर काम, बाहर से पब्लिक आती है, पैकिंग में मंगा नहीं रही, पब्लिक आना जाना तो बंद ही है, पैकिंग जो चलता है बहुत लिमिटेड चल रहा है, पैकिंग बढ़ेगा नहीं, दुकानें बंद करके बैठे रहना पड़ेगा। अभी हमारा 56 पूरा बंद ही है, सिर्फ 2 दुकान की खुली है, उससे क्या होना, मार्केट खुले तो सेल मिलता है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।